गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक बेहद ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, कैलेंडुला। और बेहद ही ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये देखिए, इनमें बड़ी अच्छे से ब्लूमिंग भी हो रही है फ्रेंड्स। बड़ा ये इजी टू ग्रो प्लांट है और सीड से भी ये बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है, और चाहे तो कटिंग से भी बड़ी इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसको सीड से भी ग्रो करा हुआ है, लेकिन सीड से जो है वो अभी प्लांट छोटे छोटे से हैं। और ये वही पौधे हैं जो मैंने नर्सरी वाले भैया से कुछ बाय करके अपने गार्डन में थोड़े से ऐड करे थे। बेसिकली मौसम काफ़ी ख़राब था और जो सीडलिंग से करे थे वो अभी बहुत छोटे छोटे से हैं और उनको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग रहा है। मैं वो भी आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है और ये मैंने सीड से इनको ग्रो करा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इनका बेस्ट जो सीज़न होता है वो सितंबर अक्टूबर जो होता है वो बेस्ट रहता है इनको, अगर आप सीड से ग्रो करें, ताकि आने वाले टाइम पर ये जल्दी ही आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर दे। क्योंकि फ्रेंड्स फिर जितने लेट हो जाते हैं हम सीडलिंग करने में तो पौधों को ग्रोथ में भी टाइम लग जाता है, और जब तक उनमें फ्लावरिंग होती है तब तक मौसम में काफ़ी चेंजिंग जो है वो आ जाती है। वैसे ये बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, और आप चाहें तो इसको नर्सरी से भी ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और बड़े सुंदर सुंदर रंगों में ये पौधा जो है वो आता है, और इसकी केयर भी फ्रेंड्स बड़ी ही इजी है। कुछ ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल भी गार्डन सॉइल में भी अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो ये बड़ा इजी टू ग्रो है। और एक एक पॉट में आप कोशिश करें एक एक पौधा ही आप इसको लगाएं, क्योंकि ये बड़ी जल्दी ही पॉट्स को कवर कर लेता है। और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट पार्ट ये है इसका कि ये इसकी लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, और मुझे इसकी लीव्स भी काफ़ी अच्छी लगती है। और हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए ये एक बेस्ट प्लांट है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप इसकी जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको हटाते जाएं, और उस जिसके कारण इसकी जो ये जो प्लांट है ये बहुत ही बुशी भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम पौधों के लिए, जब भी कोई पौधा जो है फ्लावरिंग प्लांट का स्पेशली अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो उसके लिए मिट्टी भी फर्टिलाइज़र वाली बनानी चाहिए, और टाइम टू टाइम इनमें फर्टिलाइज़र भी जो है वो भी अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि इनमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस की कोई कुछ भी कमी ना हो और ये बड़े अच्छे से फ्लावर्स जो हैं वो इनमें ब्लूम करते रहें। और फ्लावर की ब्लूमिंग के लिए आप इनमें इनको धूप वाली जगह में रखें, ताकि इनके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से ब्लूम करें। हालांकि हमारे J&K में इतने अच्छे से धूप नहीं आ रही होती है, जिनके कारण इनकी ब्लूमिंग में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बुशी हो जाता है पौधा, और जिसके कारण जब भी किसी भी पॉट में लगाएं तो कोशिश करें इसका 6 से 8 इंच के पॉट में लगाएं, और एक एक प्लांट ही आप उनमें शिफ्ट करें और उनकी प्रूनिंग वगैरह भी करते रहें, और जिससे प्लांट जो है और घना हो जाएगा। जितना पौधा जो है घना होगा उसमें फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। और मिट्टी में जब भी इसकी मिट्टी बनाएं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, और मिट्टी में जो खाद है वो गोबर खाद ले लीजिए, और इसके साथ साथ आप इसमें नीम खली, सरसों खली, उसके अलावा बोन मील भी डाल सकते हैं, जिनमें इनमें फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स ये काफ़ी कम टाइम के लिए फ्लावर्स होते हैं, और इनमें आप अच्छी मात्रा में टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहें, जिनमें इनमें जो कोई भी पोषक तत्वों की कोई भी कमी हो वो टाइम टू टाइम पूरी होती रहे। क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो बड़े कम समय के लिए होते हैं, जिनसे फ्लावरिंग भी लेनी होती है, और उनको फिर अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र जो है वो भी ऐड करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स वाटरिंग की बात करूं तो विंटर्स हैं, विंटर में ये देखिए, जैसे कि ये मेरा प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, प्लास्टिक में जो है वो सॉइल जो है वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है। 1 या 2 दिन के बाद भी आप इनमें वाटरिंग कर सकते हैं, या फिर मिट्टी को एक बार थोड़ा सा चेक कर लें। अगर आपको लगता है मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तो आप उनमें वाटरिंग कर दें। वैसे मिट्टी इसको नम ही पसंद है, और एक बार अगर मिट्टी एक बार ड्राई हो जाए दूसरी बार आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो इसकी लीव्स जो हैं वो समटाइम येलो भी हो जाती हैं। और कोशिश करें इसकी जितनी भी जो लीव्स हैं नीचे की उनको हटाते जाएं, वो कभी भी सॉइल के साथ टच ना हो, क्योंकि वो जितनी बार सॉइल के साथ टच होंगी नीचे की जो लीव्स हैं वो गल जाएंगी। तो इसका जो ये क्राउन एरिया होता है इसको कोशिश करें थोड़ा मिट्टी से अलग ही रखें, तो बड़ी अच्छी सी ये जो है वो ग्रोथ करता रहेगा फ्रेंड्स।
और प्रोपोगेशन का मैंने फ्रेंड्स आपको इसको बता दिया हुआ है। और वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, मिट्टी में एक भाग आप मिट्टी ले लीजिए और एक भाग आप इसमें सैंड जो है वो मिला लें, इसमें वेल ड्रेन सॉइल बनेगी। और पॉट्स जो हैं फ्रेंड्स किसी भी पॉट में लगाएं, लेकिन उसका ड्रेनेज होल जो है वो एक बार ज़रूर चेक करें, ताकि जब भी आप वाटरिंग करें तो वाटरिंग जो है वो आपके ड्रेनेज होल से निकल जानी चाहिए। और आशा करती हूँ आज की जो जानकारी है वो सब फ्रेंड्स को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।